तो कांग्रेस में इधर चला मैं उधर चला की स्थिति लगातार बरकरार है। जब भी हम सोचते हैं कि कांग्रेस थोड़ा सा सेटल हो रही है, उसी वक्त एक और बड़ा नेता कांग्रेस छोड़ने या कांग्रेस से नाराजगी या कांग्रेस में अपमानित महसूस करने लगता है। दर्शकों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जब जब भारत की बात होगी तो कांग्रेस पार्टी की बात सबसे पहले होगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा सत्ता का सुख भोगा है भारत में। लेकिन दर्शकों, कुछ समय से ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद कहीं ये कहानी ना आम हो जाए कि एक थी कांग्रेस। बीजेपी जब से सत्ता में आई है 2014 के बाद से, जब से मजबूत सत्ता में आई है, एक बात कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत का उनका सपना है। लेकिन वो ये बात कहते तो जरूर हैं, लेकिन मन में उनके बात जरूर रहती होगी कि वो किस तरह से कांग्रेस युक्त बीजेपी करते जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस के इतने सारे नेता कांग्रेस से अलग हट के बीजेपी में जा चुके हैं कि अब बीजेपी के अंदर भी एक छोटी कांग्रेस बन चुकी है। जी हां, सबसे पहले हमने जितेंद्र प्रसाद को देखा, हमने उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी देखा, हरीश रावत साहब आज नाराज नजर आ रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब कुछ रोज पहले नाराज थे। तो कांग्रेस में आखिर भागम भाग क्यों नजर आ रही है? कांग्रेस में भागम भाग की स्थिति क्यों दिखती है? क्या कांग्रेस के नेताओं के अंदर कांग्रेस नहीं बची है? ये सवाल जायज हैं और पूछे जाने चाहिए। पंजाब की वोट बचा रहे हरीश रावत साहब, जिनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया था, पंजाब पहुंचते हैं, पंजाब में जो डूबती नाव थी कांग्रेस की उसको बचा रहे थे। किसको पता था कि उत्तराखंड में उनकी नाव भी डूब सकती है? हरीश रावत साहब पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पंजाब पहुंचे थे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू को समझा रहे थे कि खुलकर बयानबाजी मत करो, सार्वजनिक रूप से आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ, इससे पार्टी की छवि खराब होती है। किसे पता था कि कुछ रोज बाद यही हरीश रावत साहब खुद ही ये बातें कहने लगेंगे? आज खुद सार्वजनिक तौर पर कह दिया उन्होंने कि पार्टी का जो आला कमान है, दिल्ली वाला आला कमान, वो दरअसल उनको सहयोग नहीं कर रहा, वो समर्थन नहीं कर रहा, वो साथ नहीं दे रहा। तो ये बड़ी स्थिति है, बड़ी बात है। साथ ही साथ बाद में उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब वो अपमानित महसूस करने लगे हैं। हालांकि लोगों का मानना यह है कि सीएम का चेहरा ना बनाए जाने के कारण नाराज थे और यह प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन कांग्रेस कहां है आज, यह बड़ा सवाल है। जिस कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इस देश पर राज किया हो, वो कांग्रेस आज कहां है? सिर्फ एक परिवार नजर आता है। मतलब जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस एक्टिव भी है, वहां पर भी गुटबाजी है, वहां भी होड़ मची है कि कौन राहुल गांधी का करीबी है, कौन सोनिया गांधी का करीबी है, कौन गांधी परिवार का करीबी है। हर कोई नंबर बनाने में लगा है। और इस वक्त तो यह स्थिति हो गई है कि कुछ ऐसे प्रदेश अध्यक्ष तक मौजूद हैं जो दरअसल नेता हैं ही नहीं, या नेता बनाने की कुव्वत नहीं रखते, सिर्फ कागजों में वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मतलब कोई जनाधार नहीं है उनका। कांग्रेस किसी भी प्रदेश में या कोई भी इलेक्शन जब हारती है तो हार से पस्त कम नजर आती है, लेकिन वो सुस्त ज्यादा नजर आती है। जो कांग्रेस 70 साल तक एक्टिव पॉलिटिक्स में रही, 70 साल तक इतनी एक्टिव नजर आती रही, आज वो आलस की स्थिति में क्यों है? जो बचे कुचे नेता हैं, देर सवेर खुद ही पार्टी पर आरोप लगा देते हैं। G23 तो सबको पता है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं, क्या उन नेताओं के अंदर कांग्रेस बची है? एक और सवाल यह है कि विचारधारा की बात जो नेता करते हैं, वो कौन से विचार लेकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं जिनकी विचारधारा बिल्कुल उलट होती है? सवाल यह भी है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हम समंदर हैं, हमें सब आ सकते हैं। ठीक है, आ सकते हैं, पवित्र भी हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी की कौन सी विचारधारा है जो वो हर पार्टी के विचारों के साथ आए हुए लोगों को अपने समाहित कर लेते हैं? ये सवाल होने चाहिए, जायज सवाल है, क्योंकि कांग्रेस को सोचना भी चाहिए कि कुल कितने ही नेता बचे हैं उनके पास।
मतलब पंजाब में, पंजाब कांग्रेस में जहां वो सबसे ज्यादा एक्टिव है कांग्रेस, वहां सबसे बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह उनका चेहरा, वो निकल गए, छूट गए, अलग हो गए। बीजेपी में नहीं गए वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी की बी टीम बनकर खेल रहे हैं ये पंजाब अब कहने लगी है। दूसरी तरफ उत्तराखंड कांग्रेस, हरीश रावत साहब आज नाराज हो गए। अब नाराज होने के बाद कहां जाएंगे? चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, या तो हरीश रावत साहब संन्यास लेंगे, राजनीति से संन्यास, जैसा कि उनकी ट्वीट में नजर भी आता है कि संन्यास ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कि बीजेपी में जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कि शायद दिल्ली तलब किए जा सकते हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी अगर मनाते हैं तो मान जाएंगे। चौथा ऑप्शन कि शायद खुद की क्षेत्रीय पार्टी बना दें और थर्ड फ्रंट का काम करने लगे। तो ये चार, कुल चार ऑप्शन है, संन्यास ले सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं, या फिर पार्टी आला कमान मनाए तो मान सकते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन एक क्षेत्रीय दल खड़ा कर सकते हैं और थर्ड फ्रंट की भूमिका में आ सकते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी अभी नजर आ रही है उत्तराखंड में। तो आज ये चर्चा रखना इसलिए जरूरी है, इसलिए महत्वपूर्ण है दर्शकों, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ तो कहती है कि वो मजबूत स्थिति में आने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये बिल्कुल किसी से छिपा नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। ऐसे में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, अपने मेहमानों के पास जाना चाहूंगा, मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहूंगा, परिचय कराना चाहूंगा। जितेन प्रसाद साहब चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब चले गए, हरीश रावत साहब चले गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब चले गए, ये स्थिति है आज कांग्रेस की। तो ठीक है, गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक मजबूत पैनल, बहस की शुरुआत करेंगे। परिचय आपसे कराता हूं, संदीप दुबे साहब हैं, आप बीजेपी से हैं, भूदेव शर्मा साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और साथ ही साथ जय दीक्षित साहब हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में आज पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा आपका है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा भूदेव शर्मा साहब, आप पर आपकी जो भाव भंगिमा है, ऐसा लग रहा है कि गहरा सदमा लगा है, एक के बाद एक नेता जा रहे हैं, एक के बाद एक नेता जा रहे हैं, मतलब आने वाले कम नजर आ रहे हैं, जाने वाले ज्यादा नजर आते हैं, और जो जा रहे हैं वो दो चार पांच दिन के बाद जेपी नड्डा उन्हें फीता पहनाते हुए नजर आते हैं। तो ये क्या भागम भाग क्यों मची हुई है कांग्रेस में? मतलब उत्तराखंड के इतने बड़े चेहरे हरीश रावत साहब, उन्हें भी आपने नाराज कर दिया? देखिए, अगर कोई भी संगठन होता है तो वो संगठन एक विचारधारा से चलता है। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक विचारधारा है और संगठन में सब लोग मिलके काम करते हैं तभी संगठन में शक्ति होती है। अब जब एक बहुत बड़ा जहाज जब समुद्र में थोड़ा सा हिलता डुलता है तो उसमें जो बिल्लियां होती हैं या फिर जो डरपोक होते हैं वो सबसे पहले भागते हैं। ठीक है ना। अब अगर कांग्रेस पार्टी में कोई भी है, हरीश रावत जी की बात का भी मैं जवाब दूंगा, पहले मैं, आपने कई नाम लिए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, जितेंद्र सिंह जी हो या फिर और, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले भी कह चुके हैं कि जो डरता है वो कांग्रेस से बाहर जा सकता है। ठीक है, हरीश रावत जी ने सार्वजनिक रूप से अगर बयान दिया है आकर के, तो मैं मानता हूं कि अगर उनको विश्राम की जरूरत है तो विश्राम कर सकते हैं। वो एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके चुनाव हारने के बाद भी उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया, संगठन में उनको काफी सम्मान दिया गया। अगर उनको फिर भी लगता है कि कुछ परेशानी है तो वो संगठन के अंदर बात कर सकते थे, लेकिन अगर उनको आराम विश्राम करना है तो कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी, आज पूरे देश के लोग, देश के युवा, देश की महिलाएं, देश की बहनें, सब आज कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आज केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो देश के लोगों के साथ खड़ी है। जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में या दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं उनके बारे में देश के लोग जान चुके हैं, 10 साल 15 साल जहां पर भी उनकी सरकारें चल रही हैं, क्योंकि किस तरह की ये जुमलेबाजी चल रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज कांग्रेस पार्टी एक युवा विचारधारा वाली, युवाओं के लिए सोच रखने वाली पार्टी है। राहुल गांधी जी युवाओं के लिए बढ़ चढ़ करके बोलते रहे हैं और वो चाहते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी में युवाओं का वर्चस्व बढ़े, युवा जो लोग युवा हैं उनके लिए। ठीक है भूदेव शर्मा साहब, ठीक है भूदेव शर्मा साहब, ओपनिंग रिमार्क हो गया, अब सेकंड राउंड में आऊंगा, तो कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा। आपने चार बातें ऐसी कही जो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक कर गई। आपने पहली बात कही कि कांग्रेस की एक विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी में जो नेता है उसमें विचारधारा है,
लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं आजकल कि कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं, क्या उनके अंदर भी कांग्रेस बची है, और ऐसी कौन सी विचारधारा है जो किसी भी वक्त समाप्त हो जाती है, मतलब किसी भी वक्त कोई भी खेमे में चले जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। दूसरी, आपने बात करी कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं हरीश रावत साहब। जब आप ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं हरीश रावत साहब, इसके कॉन्टेक्स्ट में आप ये बोल गए कि जो बिल्ली हैं, जो डरते हैं, वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, ऐसा राहुल गांधी साहब ने कहा। लेकिन राहुल गांधी तो खुद पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ चुके हैं, तो क्या वो डर गए थे? राहुल गांधी साहब डर गए थे जब उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की? नहीं, राहुल गांधी अगर कुर्सी छोड़ेंगे, राहुल गांधी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ेंगे, तो क्या आप उनको कह रहे हैं कि वो डरते हैं? देखिए, वो चुनाव में हारने के बाद नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अध्यक्ष पद से ये इस्तीफा दिया था कि अध्यक्ष पद पर रहते हुए वो चुनाव हारे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डर गए। कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, देश का युवा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है, और निश्चित तौर पर चाहे कितना भी। भूदेव शर्मा साहब, राहुल गांधी साहब कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए मेहनत कर रही है? राहुल गांधी जी इस कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रही है, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। मैं बोलता हूं कि राहुल गांधी जी को युवाओं को, पूरे जो युवा है कांग्रेस पार्टी से ही नहीं, बाहर के भी जो युवा है, वो सब ये चाहते हैं कि एक बार फिर राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जिससे युवाओं को बढ़ने चढ़ने का मौका, आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, वहां युवाओं को हाशिए पर लाकर के खड़ा कर दिया गया है। आज केवल राहुल गांधी जी है जो युवा सोच रखते हैं, युवाओं के लिए सोच रखते हैं। राहुल गांधी जी है, ठीक है। आपने एक और टिप्पणी करी, आपने कहा कि देश की महिलाएं कांग्रेस की तरफ देख रही हैं। देश की महिलाएं दरअसल कर्नाटका के उस विधायक की तरफ भी देख रही हैं, जिसका बयान मैं टेलीविजन पर रिपीट भी नहीं कर सकता। तो यह हिपोक्रेसी क्यों है कि आप एक तरफ कहते हैं कि महिलाएं प्रियंका गांधी की तरफ देख रही हैं, कांग्रेस की तरफ देख रही हैं, तो महिलाएं तो उस बयान की तरफ भी देख रही हैं जो आपके एक विधायक ने दिया है कि ना लड़ पाओ तो क्या करना चाहिए? देखिए, मैं पर्सनल तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी विधायक हो या कोई ऐसे संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति है, वो इस तरह के बयान देता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां के स्पीकर भी इस बात को लेकर के हंस रहे हैं। आप उन पर भी टिप्पणी कीजिए कि जिनको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो इस बात पर टहाके ला करके हंस रहे हैं। मैं पर्सनल तौर पर यह बोलता हूं कि बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, कब होगी कार्रवाई? आप उनको पार्टी से निष्कासित कब करेंगे? बिल्कुल, पार्टी की तरफ से मैं बोलता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो कार्रवाई वहां के स्पीकर को करनी चाहिए थी, वो पार्टी तो अपनी कार्रवाई अपने स्तर पर करेगी। संगठन में क्या होता है, लेकिन आप उस स्पीकर, जो स्पीकर है उनके बारे में भी बोलिए, उनसे भी स्पीकर के बारे में बोलेंगे। अगर स्पीकर बैठे होते हैं, जबकि कार्रवाई करनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब अगले राउंड में आपके पास आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग संदीप दुबे साहब के पास। संदीप दुबे साहब, बीजेपी दरअसल बड़ी मस्ती में है इस वक्त, कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, शांति से बैठे रहो, बगल वाले घर में झांकते रहो, जैसे ही कोई नाराज हो, जैसे ही कोई अपमानित महसूस करे, अगले दिन उसे अपने दफ्तर में बुला लो और जेपी नड्डा साहब फीता पहना के स्वागत करते हुए, स्वागत सत्कार करते हुए पार्टी में ले लेते हैं। तो मेहनत नहीं करनी है, बाजू वाले घर में झांकते रहना है कि कौन नाराज हो रहा है, कौन अपमानित हो रहा है, सबको समाहित कर लो। देखिए, जो स्वयं तृप्त नहीं है वो दूसरे को कैसे तृप्त कर सकता है? सोया हुआ इंसान दूसरे को नहीं जगा पाएगा, और भूखा इंसान दूसरे का भूख और पेट नहीं भर पाएगा। तो जो कांग्रेस बार बार बाधक बात करती है, काम करने की कोशिश करती है, मैं तो साफ साफ कहूंगा कि वो साधक नहीं बनते, वो हमेशा सुधारक रहते हैं। तो बिना साधक बने आप सुधारक नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा साधक की स्थिति में रहती है, विश्व कल्याण के बारे में सोचती है, राष्ट्र कल्याण के बारे में उसके कार्यकर्ता वंदे मातरम के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। आपने कभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग रहे हैं, वो किसी और दल में चले गए हो? क्योंकि वो स्वयं अपने आप को चुनाव हारने के बाद फिर वो वापस टीएमसी में चले गए, देखा तो बहुत कुछ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता वंदे मातरम के नाम पे अपना सर्वोच्च और सारा जीवन देता है, क्योंकि उसका मानना है कि वो व्यक्ति नहीं है, वो संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति है, मतलब भारतीय जनता पार्टी आज संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति बनी हुई है। मैं दूसरी बात कहता हूँ आपके सवाल के जवाब पे आते,
देखिए ये भारत है और भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर व्यक्ति को अपनी पार्टी अपने विचार चुनने का अधिकार है, तो सबको ये स्वतंत्रता है। और भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। हम नहीं कह सकते कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन कांग्रेस और भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो स्वयं के पोषक हैं, स्वयं के लिए जीते हैं और स्वयं निर्माण में उनके लोग सेना की तरह उनके निर्माण में काम करते हैं। तो अंतर है, आम आदमी को अंतर दिखता है और इस अंतर को भर पाना हमें लगता है कि आने वाले 30 40 50 साल में भी भारतीय राजनीति में संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ की जो राजनीति है स्वयं पे केंद्रित होती चली जा रही है, ये एक भारत की राजनीति के लिए दिक्कत है। अब आती है बात हरीश रावत जी पे। हरीश रावत जी की बड़ाई और बुराई दोनों मैं नहीं करूंगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा कि वो हमारे नेता नहीं है, वो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के लोगों को उनकी बड़ाई और बुराई दोनों करने का अधिकार है। लेकिन उत्तरांचल के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर दिन धामी जी ने जो काम किया और जो काम करके दिखाया है, उसके बाद विपक्ष वहां खड़ा होने की हैसियत में नहीं है और ये लड़ाई अंदरूनी लड़ाई है कांग्रेस की। तो कांग्रेस को लोगों को चाहिए कि स्वयं में विचार करें। अगर हरीश रावत साहब आते हैं, अगर हरीश रावत साहब आएंगे, अगर हरीश रावत साहब पार्टी में आने का प्रस्ताव देते हैं तो आप दरवाजा खोलेंगे, लेंगे उनको पार्टी में? देखिए ये समय पे सब कुछ निर्भर है और राजनीति में समय के गर्त में क्या है वो पहले भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ बुद्धदेव शर्मा जी को कहूंगा, बीजेपी तो विचारधारा वाली पार्टी है ना संदीप साहब, अपने घर को आप बुझाइए कि ताकि आग न लगे। ठीक है दुबे जी, बीजेपी तो विचारधारा वाली पार्टी है ना? बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में जो लोग कल किसी और पार्टी में थे, किसी और विचारधारा के साथ थे, वो विचारों में परिवर्तन किस वक्त आता है कि वो आपकी पार्टी में आके आपकी विचारधारा को अपना लेते हैं? ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी सवाल है और मुझे इसलिए कि ये दर्शकों को भी जानना चाहिए। देखिए नहीं इसके मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं, जैसे जितेंद्र प्रसाद साहब हैं वो कल तक किसी और पार्टी की किसी और विचारधारा की बातें करते थे, आपको कोसते थे, लेकिन अचानक एक सुबह हुई जितेंद्र प्रसाद साहब आपकी विचारधारा में आ गए। तो ये रातों रात जो विचारधारा का परिवर्तन होता है ये कैसे होता है, एक हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी कैसे हो सकता है ये बताइए। ये तो जितिन प्रसाद जी से पूछिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं समर्पित कार्य करता हूँ और भारत माँ की जय के अलावा मैं अपने आप सारा जीवन हमें वंदे मातरम सारा को जीवन समर्पित तो, कर दिया। सारा जीवन तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार ने कांग्रेस में दिया था, दूसरी बात, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी में। सुन लीजिए पूरी बात, हम मेरी बात तो सुन लीजिए मेरे भी, ठीक है? हम लोग के तो तन में मन में हमारा देश बसता है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में और कोशिश करते हैं कि लोग हमसे सीखे और हमारी काम करने के तरीके से सीखे और प्रभावित होकर हमारे जैसे दल में आए। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और उस परिवार के अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को भी तनिक मात्र भी घृणा होना चाहिए कि ये संकीर्ण पार्टी नहीं है, ये विराट पार्टी है। और मैं तो मानता हूँ कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को लोग इस देश के अंदर परमात्मा का प्रतिरूप भी मानते हैं। हम लोग सत्य थोड़ा ज्यादा हमारे देश में बसता है। अगर इसको लेके कोई आना चाहता है इस पार्टी में तो उसका स्वागत है, हम तो सबका स्वागत करने को तैयार। आप पार्टी में आ जाए, मैं तो बुद्धदेव भाई को कहूंगा कि ये गलत जगह पे, इनको आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे विचारधारा के लोग जो अच्छा सोचते हैं देश के लिए समाज के लिए, उन सबका स्वागत है, क्योंकि ये पार्टी कोई भाग्यवादी पार्टी नहीं है ना, भोगवादी पार्टी नहीं है। इसका निर्माण जो है स्वयं से हुआ है, राष्ट्र के लिए हुआ है, तो राष्ट्र के लिए हम सब लोग समर्पित हैं। और हमारे यहाँ का तो कार्यकर्ता एक ही बात कहता हूँ, मैं समाप्त भी करूंगा कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूँ देश की धरती आज तुम्हें कुछ और भी दूं। और ये सोच के कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है तो उसका स्वागत है। ठीक है, जो भी सदस्य बनता है उसका स्वागत है, मतलब कोई भी आपकी पार्टी में आ सकता है, दूसरी पार्टी कोई भी हो, सबके लिए द्वार आपके खुले हुए हैं। जय दीक्षित साहब, कांग्रेस का हाल दरअसल इतना हो बेकार हो गया है, मजबूरी सी नजर आती है। आए दिन कोई भी नेता टाटा बाय बाय करता हुआ नजर आता है। ये वो एक गाना है, इधर चला मैं उधर चला, वही वाली स्थिति है। किसी भी रोज उठो एक बड़ा नेता नाराज नजर आता है। पंजाब में जिनको भेजा गया था कि वहां पर सुधार करवाइए, सुलह कराइए, आज वही बड़ा चेहरा खुद नाराज हो गए। तो कांग्रेस की स्थिति क्या होती जा रही है दिन पर दिन? जी धन्यवाद, मुझे आपका दिया बोलने का। अभी जी अगर थोड़े से कांग्रेस के पृष्ठभूमि को अगर ध्यान से देखेंगे, पिछले कुछ वर्षों में लगातार कांग्रेस कमजोर, और कोई भी परिवार कमजोर तब होता है जब उसका नेतृत्व सुदृढ़ न हो, उसका गार्जियन हो, उसके अंदर एक भावनाओं को एक साथ समाहित करने का जो
फैली होती है बोनों को, और आज आपको देखने को मिला होगा केवल कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार के पास है, और खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और इनकी जो शैली है, जिस नेता जो 5 साल सांसद रहा, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दे दिया, और आज उसे सोशल मीडिया पे आके कहना पड़ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि रास्ता बदल दू या ले लू, एक बहुत बड़ा उसके मन में एक क्लेश होगी, एक मन में दुख होगा, कहीं ना कहीं उसकी बातें या तो सुनी नहीं जा रही है या उस बंदे को नजरअंदाज किया जा रहा है। विश्वास सूत्रों से जो खबर मिली है कि अभी राहुल गांधी की जो रैली थी और वहां के जो प्रभारी थे देवेंद्र यादव जी, उन्होंने हरीश रावत जी के पोस्टर हटा दिए या हटवा दिए थे, जिस तरीके की बातें आती है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक मतभेद खड़ा है नेतृत्व प्रभारी और हरीश रावत जी जैसे दिग्गजों के लिए। तो ये एक अच्छा सिग्नल लगता है कांग्रेस के लिए भी, और ये उत्तराखंड के लिए भी एक अच्छा मैसेज है। ठीक है इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि क्यों बड़े आखिर जो बड़े चेहरे वाले नेता हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस छोड़कर क्यों जा रहे हैं। बुधेव साहब आप सुन रहे थे अभी जय दीक्षित साहब को। बुधेव जी आप आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है। ठीक है मैं आपको थोड़ा क्लियर बता देता हूँ। बुधेव जी जय दीक्षित साहब कह रहे थे कि जो आपका नेतृत्व है, जो दिल्ली वाला नेतृत्व है टॉप मोस्ट, जो वो ठीक नहीं है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप उसको प्लीज एक बार क्लियर कीजिए। ठीक है मेरी आवाज आपको आ रही है क्लियर? नहीं क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तब तक आपको एक वीडियो दिखाता हूं, क्योंकि जय दीक्षित साहब ने अभी एक बात कह दी। जय दीक्षित साहब ने कहा कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन पार्टी को दे दिया, पूरा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया, उस व्यक्ति को आज सोशल मीडिया के जरिए ये बात लिखनी पड़ रही है, अपना दुख अपनी पीड़ा साझा करनी पड़ रही है। तो मैं भी उनसे मिला था, जब मैं उनसे मिला था तो मैंने भी उनसे यही सवाल किया था, किसी सवाल के जवाब में उन्होंने क्या जवाब दिया था उसको सुनिए, फिर समझिएगा कि वो व्यक्ति किस भावनात्मक रूप से कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन आज क्या परिस्थितियां हुई कि उन्हें ये बात लिखनी पड़ी। वीडियो चलाइएगा जरा। कहूं पंजाब से उत्तराखंड। सर ये बताइए सबसे पहले तो 2022 दोहरी जिम्मेदारी है आप पर, कैसे निभाएंगे? इसके साथ ही जन्मभूमि या कर्मभूमि, किस पर ज्यादा फोकस रहने वाला है आपका? कर्मभूमि के लिए यदि समर्पित भाव नहीं रहेगा तो जन्मभूमि भी नाराज हो जाएगी। तो कर्मभूमि जन्मभूमि से प्रेरणा लेकर के करेंगे, और आप तो जानते हैं जननी जन्मश्य, तो जो है जो माँ है वो माँ का तो अपना स्थान है, तो उत्तराखंड के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, और विशेष तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रति जो कर्तव्य है, क्योंकि मैं तो कांग्रेस की जैसे माँ की गोद हमेशा सर्वसुलभ रहती है, वो रहती है, प्रेरणादायी रहती है, तो मैंने तो कांग्रेस की गोद के अलावा कोई देखा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ के कांग्रेस के लिए भी कर्तव्य करेंगे, वहाँ भी करेंगे, और यदि कुछ और भी काम करना होगा तो और काम भी करें। तो बुधेव साहब अगर आप भावनात्मक रूप से समझें तो आप समझ पाएंगे कि हरीश रावत साहब क्या बात कह रहे हैं। हरीश रावत साहब कह रहे हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस जो है वो मेरी माँ है, और ये ज्यादा पुराना नहीं है, 4-5 महीने पुराना इंटरव्यू था, इसमें उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड कांग्रेस मेरी माँ है, बहुत भावुक होकर कही थी ये बात। और आज जब वो नाराज हैं तो आप कह रहे हैं कि जो लोग बिल्ली होते हैं, जो लोग डरपोक होते हैं, वो लोग छोड़कर चले जाते हैं। मतलब दिल्ली की कोई गलती नहीं है, जो पार्टी का हाईएस्ट पॉइंट है उसकी कोई गलती नहीं है। आपको बोला था कि हरीश रावत जी के लिए अलग जवाब दूंगा, लेकिन आप उससे पहले आप जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जितेंद्र सिंह उनकी बात कर रहे थे, मैंने उनके लिए उस शब्द को बोला था। और हरीश रावत जी ने कोई कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात नहीं की है, उन्होंने विश्राम करने की बात की है, उनकी बेटी है। आपने ऐसा क्या माहौल बनाया, कांग्रेस ने ऐसा क्या माहौल बनाया कि उन्हें विश्राम करना पड़ रहा है? नहीं देखिए एक उम्र के बाद में मुझे लगता है विश्राम करना भी चाहिए, काफी उम्र हो गई, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, मुख्यमंत्री बनाया, हारने के बाद भी उनको पंजाब का प्रभारी बनाया, इतना सम्मान उनको कांग्रेस पार्टी ने दिया है। सम्मान कम लग रहा है, कटु शब्द ज्यादा लग रहे हैं इस तरीके से। कौन सम्मान देता है कि ठीक है विश्राम करना भी चाहिए, ठीक है हारने के बाद भी मत दिया।
देखिए बिल्कुल विश्राम करना चाहिए, फिर वही मीडिया वाले बोलते हैं कि आखिर ये कब तक मतलब लगे रहेंगे। कांग्रेस को अब हरीश रावत की जरूरत नहीं है, युवाओं को भी कांग्रेस को हरीश रावत की जरूरत नहीं है। आप देखिए इस बार उत्तराखंड में युवाओं का जो रुझान है वो पूरी तरह कांग्रेस की तरफ है, और मैं मानता हूँ कि इस बार युवाओं का रुझान तो तब होगा, अरे भूदेव साहब युवाओं का रुझान तो तब होगा जब बुजुर्गों का रुझान होगा। आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा जिसने पूरा जीवन आपकी पार्टी को दिया, उसी का रुझान आपकी पार्टी की तरफ नहीं है। मतलब आपको हरीश रावत साहब की जरूरत नहीं बोला है। देखिए ये बात क्लियर है, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात नहीं की है। उनकी बेटी भी चुनाव लड़ रही है हरिद्वार ग्रामीण से, मैं खुद वहां 3 विधानसभाओं में प्रभारी हूँ। युवाओं का जिस तरह से रुझान बढ़ा है, ठीक है उनको विश्राम की जरूरत है, विश्राम कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है, मतलब आपको हरीश रावत की जरूरत नहीं है। आपको हरीश रावत की जरूरत क्यों नहीं है? पार्टी के बड़े नेता है, वो पूरा प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के लिए समर्पित है। आप कह रहे हैं बड़े नेता है, प्रचार कर रहे हैं, और उससे पहले वाली लाइन में आप कह रहे हैं कि उनको विश्राम करना चाहिए, आराम करना चाहिए। अगर उनका मन है विश्राम करने का तो विश्राम कर सकते हैं। मतलब मनाएंगे नहीं आप, मतलब मनाएंगे नहीं आप, मतलब अगर वो मान भी जाए तो मनाएंगे नहीं आप। नहीं है तो संगठन में बैठ के बात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर जा रहे हैं तो जाने दो, चर्चा की जा सकती है, ठीक है। मतलब जा रहे हैं तो जाने दो, मनाएंगे नहीं आप। छोड़ने की बात नहीं की है, मतलब जा रहे हैं। देखिए आज उत्तराखंड में कांग्रेस की जो लहर चल रही है, राहुल गांधी जी की जो जनसभा हुई थी उसमें जो लाखों लोग वहां आए थे, और एक जनसभा मोदी जी की भी हुई थी जिसमें कुर्सियां खाली पड़ी थी, एक जनसभा प्रदेश अध्यक्ष की थी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और एक जनसभा वहां पे भारतीय जनसभा का जिक्र कर रहे हैं। आप जनसभा का जिक्र कर रहे हैं, सुनिए सर, मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसे कवर किया होगा, पूरे मीडिया ने कवर किया होगा, देखा होगा, तो जहां पर लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है आप उसको भी देखिए, ठीक है। आप जनसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप जनसभा की बात कर रहे हैं, कवर करने की बात कर रहे हैं। जनसभा की आप जब बात कर रहे हैं तो जय दीक्षित साहब ने भी एक बात कही थी कि कोई यादव जी हैं, यादव जी ने उनके पोस्टर हटवा दिए। जनसभा की आप बात कर रहे हैं, उन्हें पांचवें छठे नंबर पर अगर आप बोलने का मौका देंगे तो ये अपमान ही तो है। पोस्टर नहीं लगने दे रहे आप उनके पोस्टर तक हटवा रहे हैं आप। एक बड़े सीनियर लीडर के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे ठीक है जा रहे हैं तो जाने दो, विश्राम कर रहे हैं तो करने दो, अगर ऐसे ही चलता रहा सब जाते रहे तो आखिरी में राहुल गांधी बच जाएंगे। मुझे लगता है कि जय दीक्षित जी ने ही वो पोस्टर देखे होंगे जिसमें हरीश रावत जी का पोस्टर नहीं है। मैंने अभी कहा कि मैं वहां 3 विधानसभाओं में प्रभारी हूँ यूथ कांग्रेस की तरफ से। सम्मान होता है वो उत्तराखंड के सबसे सीनियर लीडरों में से है, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उनके पोस्टर हटा दिए गए या पोस्टर दिया उनको बिल्कुल गायब कर दिया गया। आप देखिए आप खुद भी तो कवर कर रहे हैं ना, उसको देखिए जय दीक्षित जी देख के आए होंगे, हमने तो नहीं देखा है ना, हमारे पास ऐसी कोई न्यूज है, आपके पास भी नहीं होगी मुझे लगता है। जहां भी आप जा रहे हैं चुनावी माहौल है, जितने भी पोस्टर लग रहे हैं सब में हरीश रावत जी के पोस्टर है, बकायदा बिल्कुल है। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल लूंगा, उसके बाद मैं संदीप जी के पास जाऊंगा। उदय साहब ये बताइए कि अगर वो विश्राम के लिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है मुझे रेस्ट चाहिए, राजनीति से संन्यास लेता हूँ, रेस्ट लेता हूँ, तो आप उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि चुनाव सर पर है, नुकसान भी हो सकता है। देखिए उम्र का भी फर्क होता है, मतलब नहीं मनाएं, विश्राम करना है कर सकते हैं। केवल देखिए आप बात को घुमाने से क्या होता है, कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है आज कांग्रेस में कोई एक ही नेता नहीं है, कांग्रेस में तमाम नेता है, और भी दूसरे नेता है, दूसरे युवाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। वो सारे नेता कहाँ हैं? G23 में हैं क्या सारे? निश्चित तौर पर वो सारे नेता कहाँ हैं? G23 वाले नेता की बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, आप मुझको ये समझाइए, नेता क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप में नेता है। आपकी सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से पार्टी के नेता है क्या? जब चाहे जब मुख्यमंत्री पद से उठा दो, ठीक है, आपने पंजाब में जब मुख्यमंत्री पद से पूरी कैबिनेट को उठा दो, ये कांग्रेस पार्टी है, इसमें हर कोई अपने आप में नेता है, ठीक है, कभी भी मुख्यमंत्री कोई भी नेता बन सकता है, चन्नी जी जैसे भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अपने हर मतलब हर वर्ग हर उम्र हर तबके को ध्यान में रखा जाता है कांग्रेस पार्टी में। तो ये मत कहिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में हर कोई नेता है, लेकिन विपक्ष कहता है कि आपके सबसे बड़े नेता ही नेता नहीं है। तमाम नेता है, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता नेता है, जो भी जीत करके आएगा वो विधायक बनेगा, जिसका जनता में समर्थन होगा वो विधायक बनेगा। ये नहीं है कि केवल हरीश रावत जी हो या फिर कोई और दूसरा कोई नेता हो, एक नेता से पार्टी नहीं चलती है, संगठन हमेशा सभी लोगों से मिलकर के चलता है, संगठन में शक्ति होती है, और यही बातें आप राहुल गांधी से कह सकते हैं, नेता होता है, यही बातें आप राहुल गांधी से कह सकते हैं, जो आप प्रवचन मुझे दे रहे हैं यही बातें आप राहुल गांधी जी से कह सकते हैं कि कोई नेता नहीं होता है,
कोई भी नेता हो सकता है, हर कार्यकर्ता नेता होता है। राहुल गांधी जी इस बात को बोलते हैं, राहुल गांधी जी बिल्कुल बोलते हैं कि संगठन से नेता होता है। तो फिर आप थोड़ी देर पहले क्यों कह रहे थे, आप थोड़ी देर पहले क्यों कह रहे थे कि राहुल गांधी को हर कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। ठीक है, तो राहुल गांधी ही बचे हैं, मतलब सबसे बड़े नेता वही है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बन सकते हैं, इसके अलावा किसी में काबिलियत नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कांग्रेस? क्यों नहीं है ये आप बार देखिए, कई मतलब बार इस बात पे एक सेकंड, तो मैं आपको बता सकता हूँ कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के अलावा भी बहुत सारे अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है ना, ये नहीं है। आज जो कांग्रेस पार्टी के युवा है, देश के युवा है, वो राहुल गांधी जी की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि तानाशाही जहाँ सरकारें चल रही है, जहाँ विपक्ष का रोल बिल्कुल खत्म कर दिया गया है जिस सत्ताधारी सरकार के द्वारा, उस समय पूरे देश में केवल राहुल गांधी जी जो बिना डरे हुए देश के लोगों की आवाज उठा रहे हैं, देश के युवाओं की, देश के महिलाओं की, देश के गरीबों की, देश के मजदूरों की आवाज केवल और केवल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक, मतलब उनके अलावा कोई नेता नहीं, राहुल गांधी के अलावा फिर कोई नेता आवाज उठाएगा तो वो नेता होगा। तो जब युवा आवाज केवल राहुल गांधी उठा पा रहे और कोई नहीं उठा पा रहा, अरे आप भावनाओं में कोई भी गांधी परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं, समस्या खड़ी हो जाएगी आपके लिए। बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दूसरी पार्टी के नेता कहाँ गए, क्यों आवाज नहीं उठा रहे, क्यों डरे हुए घरों में बैठे हुए हैं? उत्तर प्रदेश में तानाशाही शासन चल रहा है, चुनाव आप राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में इतने चुनाव हार गए, तो आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की काबिलियत और किसी नेता में हो सकती है? तो उनको बनाइएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप राहुल गांधी को क्यों बनाना चाहते हैं? चुनाव हारना और जीतना एक अलग बात है, मतलब यहाँ पर मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ राहुल गांधी बन सकते हैं, नेता कोई भी बन सकता है। राजस्थान में सरकार बनी, राहुल गांधी ही बन सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी ही बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कई जगह सरकारें बनी, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष से राहुल गांधी बन सकते हैं, नेता कोई भी बन सकता है। नहीं, राहुल गांधी जी इसका चुनाव हराने का कारण नहीं है ना, राहुल गांधी अध्यक्ष सिर्फ राहुल गांधी ही बन सकते हैं। आपने अभी कहा, आप थोड़ा सा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, आप सुनिए जी, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पद के लिए चुनाव होता है और राहुल गांधी जी इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है वो आकर के चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है? ठीक है भाई, चुनाव होता है, प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और फिर से चुनाव होगा, भूदेव जी फिर से चुनाव होगा, जिसको चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ सकता है। भूदेव जी एक आखिरी बात आपसे कर लूं, संदीप जी आपके पास आ रहा हूं, जय दीक्षित साहब आपके पास भी आऊंगा। भूदेव जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने आपसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की, जितेंद्र प्रसाद साहब की बात की, तो आपने कहा कि डरपोक लोग हैं, बिल्ली लोग हैं, ठीक है। जब मैं आपसे हरीश रावत जी के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, अगर विश्राम करना चाहते हैं तो करने दो। मैंने कहा आप उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे या नहीं, तो आपने कहा नहीं नहीं, विश्राम करना चाह रहे हैं उन्हें करने दीजिए। उसी लाइन में, उसी स्तर पर कहते कहते आप ये बात भी कह रहे हैं कि मैंने जब पूछा आपसे कि राहुल गांधी जब अध्यक्ष पद की कोशिश छोड़ी थी उन्होंने, तो वो क्या डर गए थे? तो आपने कहा नहीं, वो डरे नहीं थे, उन्होंने तो नैतिकता के आधार पर छोड़ दी थी क्योंकि वो हार गए थे। लेकिन हम कार्यकर्ता आज तक उनके सामने नतमस्तक हैं कि भैया आप राष्ट्र अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाओ। क्या राहुल गांधी के अलावा कोई नेता नहीं है? क्या राहुल गांधी के अलावा कोई नेता नहीं है जो उस कुर्सी पर बैठ सके? अगर हरीश रावत की जगह को कोई फिल कर सकता है तो क्या राहुल गांधी की जगह को कोई फिल नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल कर सकता है। राहुल गांधी जी बोलते हैं ना, आइए चुनाव लड़िए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। जब कौन सा चुनाव होता है, अरे मजाक की भी लिमिट होती है, कौन सा चुनाव होता है वो सबको जानता है। चलिए, आइए आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, आप भी सदस्यता ग्रहण कीजिए। एक प्रक्रिया है पूरी जो अभी चल रही है, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनिए, उसके बाद जो भी प्रक्रिया है, आप मार्च और अप्रैल में जाकर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा आप भी लड़ सकते हैं। देश के 130 करोड़ लोगों में से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, यूपी चुनाव लड़िए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। यूपी में 1 करोड़ सदस्य बनाने की बात कर रही थी कांग्रेस, क्या हुआ उसका बताया नहीं फिर? नहीं, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सदस्यता अभियान चल रहा है, वहां पर सदस्य बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के में जो युवाओं का रुझान है, ठीक है, जो वहां के लोगों का रुझान है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ प्रियंका गांधी जी के लिए तो महिलाओं का रुझान है। सारी बातें आपने सुनी होंगी, सारी बातें सुनी होंगी, तो बातों में दरअसल ऐसा लगता है कि आप बड़ा खुश हो जाते हैं क्योंकि इनके यहाँ से नेता नाराज होते हैं, अपमानित महसूस करते हैं, जाते हैं, आप सबको जगह देते हैं। नहीं, नेता बीजेपी से नहीं जाते क्या? पश्चिम बंगाल पूरा खाली हो चला, बीजेपी के नेता दूसरी पार्टियों में नहीं जाते क्या? क्यों नहीं जाते? तो आते भी नेता है, पार्टी से नाराज होते हैं, टीएमसी से आए भी तो थे, उनकी मर्जी है, लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। ठीक है, वो आना जाना लगा हुआ है, बीजेपी जाना लगा हुआ है, कोई नेता जाता ही नहीं है। ठीक है,
आप क्या कौन बड़ा नेता आया, वो सवाल आपसे बाद में होगा। संदीप दुबे साहब, आप सब कुछ सुन रहे थे, तो जो इनका कहना है कि हरीश रावत जी जो हैं विश्राम करना चाहते हैं, उनको विश्राम करने दीजिए, इस पर जवाब आप बताइएगा क्या पक्ष है आपका। दूसरी चीज, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, जितिन रावत साहब, उसको आज कांग्रेस बता रही है कि वो डरपोक लोग थे और डरपोक लोगों को आपकी पार्टी अपने में शामिल करती है, बताइए। मैं एक बात कहूंगा कि जब तक दम में दम है, व्यक्ति को बेदम नहीं होना चाहिए, और कांग्रेस अपना बेदम खो चुकी है, तो कांग्रेस खुद अपना मूल्यांकन करे उसके दम कहां चलोगे। देखो देखिए कहता है भाई, आप देखो संदीप जी, आप ये भी जानते हैं कि चाहे कोई गुंडा हो, कोई बलात्कारी हो, कोई भ्रष्टाचारी हो, मतलब उस पर कितने भी आरोप लगाए जा रहे हो, चाहे वो जेल में हो, अगर वो बीजेपी में आ जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है, वॉशिंग मशीन है इनके पास। थोड़ा कहते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक उस पार्टी का सदस्य हो सकता है। दो मिनट आप सुन लीजिए, वही व्यक्ति कहता है कि विपक्ष को सरकार बोलने नहीं देती है, जबकि बोलने में वो किसी से कम नहीं है, पीछे नहीं है, लेकिन गाली देता है, बुराई करता है, बुराई को ये अपना यश कृति समझता है और सोचता है कि मैं किसी का बुराई कर रहा हूं। अगर बुधे जी थोड़ा सुनने का भी थोड़ा रखिए, सुनिए थोड़ा सुनिए, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के विपक्ष की बुराइयां करते हैं। साहब बी आर गुड लिसनर, थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा सुनिए, विदेशों में जाकर के विपक्ष की बातें करते हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो भड़के हुए हैं आज, गुस्से में है आज। ठीक है, रुकिए, ठीक है। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम कोई एक व्यक्ति मिला जो कहता है कि कांग्रेस अपने उत्कर्ष पे है। मैं तो कहता हूँ उत्कर्ष के साथ कांग्रेस को अपना संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए, उसके संघर्ष के साथ ही धीरे धीरे सब छोड़ के उसको जा रहे हैं। तो आज जो विषय है उस विषय को मैं हरीश रावत जी पे नहीं कर रहा हूँ, वो बड़े नेता हैं, मैंने उनको अपनी आंखों के सामने उनके कई कांग्रेस को उन्होंने मजबूत किया, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, और उत्तरांचल जब बना था तो काश मेरा व्यक्तिगत भी उनसे संबंध रहा, क्योंकि हम दोनों लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंध रखते थे। तो उन्होंने तो अपना सारा जीवन सर्वोच्च कांग्रेस को दे दिया, लेकिन जिसको अपना सारा जीवन दिया तो व्यक्ति के अंदर, या राजनीति हो या घर में रहने वाला व्यक्ति हो, किसी के लिए कुछ करता है तो सोचता है कि वो समाज या वो संस्था उसको समझेगी। आज अगर वो संस्था वो समाज उसको नहीं समझ रहा है तो उससे बड़ा बुरा दिन मुझे नहीं लगता किसी के लिए आएगा और कोई देखेगा। और नहीं, आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी बीजेपी के बड़े नेता थे जिनको भी विश्राम करवाया गया, तो उनका भी मुझे लगता है कि उनका भी इतना बड़ा समय आ गया था। आप जिस बात को बोल रहे हैं, तो आप बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं की भी बात कीजिए जिनको साइड लाइन करके बिठा दिया गया। तो क्या आप उनसे सीखते हैं? क्या आप उनके स्टूडेंट हैं? क्या भूदेव जी आप स्टूडेंट हैं क्या उनके? क्यों उनसे सीख के आप भी यही काम कर रहे हैं? आप गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। मैं कोई आपकी मैं तो इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पूरा जीवन दिया, भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे नेता है जिन्होंने पूरा जीवन दिया, उनको साइड लाइन कर दिया गया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमीन से दो सीट से ले जा करके इतने ऊपर तक लेके गए, पूरा जीवन उन्होंने उसमें लगा दिया। तो ये तो समय समय की बात है, मजबूत होती है, और राहुल जी ने यही आप लोग को सिखाया है, तो धन्यवाद है राहुल जी का, धन्यवाद है कांग्रेस का, और धन्यवाद है राहुल जी ने क्या सिखाया है संदीप जी, संदीप जी, राहुल जी ने जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि इस देश के लोगों की सेवा कैसे करनी है, इस देश को विश्वगुरु कैसे बनाना है। राहुल जी ने ये नहीं सिखाया है कि कोरोना के समय भी तुम्हारे आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के, वो तलवारें लेकर के हॉस्पिटलों में हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे थे, ये राहुल गांधी जी ने नहीं सिखाया है। राहुल गांधी जी ने यह सिखाया कि अपनी जान पर खेल करके देश के लोगों की सेवा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने आप जो काम आप लोग कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और ऐसा आप करते रहो, मेरा तो साधुवाद है कि कांग्रेस जिस संस्कृति पे चल रही है, जिस उसने धारण किया और जिस संस्कृति और व्यक्ति निर्माण का काम कांग्रेस कर रही है, उद्धव भाई आप जैसे साधुवाद है। सवाल साहब का था, मैं साहब के सवाल का जवाब दे रहा था, जो दोही था, उन्होंने मुझसे पूछा हरीश रावत जी के बारे में, मैंने कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करी, मैंने खासतौर से उनकी बुराई भी नहीं करी, उनका एक व्यक्तित्व है कांग्रेस में, और कांग्रेस में ही नहीं है, पूरा विपक्ष, देश का कोई भी पार्टी ऐसा नहीं हो जो उनके अस्तित्व को नकार सकती हो। अगर कांग्रेस के साथ ही अपने उनके अस्तित्व को नकार रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे अच्छा दिन कांग्रेस का और दोबारा नहीं आएगा, और ये आया हुआ इसके लिए कांग्रेस के लोगों को और साधुवाद देना चाहिए। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा रही है, भारतीय जनता पार्टी में हम सबका क्यों स्वागत करते हैं, किस लिए स्वागत करते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी संस्कृति भारत के अंदर विकसित हो जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र
जितना विकसित हो पाए या समाज जितना विकसित हो पाए उसका निर्माण हम लोग कर पाए और उसमें सबका योगदान है। कोई ये नहीं कि हमने ठेका ले रखा है, जैसे बुद्धे भाई कह रहे हैं राहुल जी ने ठेका ले रखा है देश को सुधारने का। हम लोग ठेकेदार नहीं है, देश का हर व्यक्ति इस देश के लिए जिए, ऐसी सोच ऐसी भावना हमारी संगठन पार्टी और हम ऐसा निर्माण कह रहे हैं। संदीप दुबे साहब, निर्माण में हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन संदीप दुबे साहब, होता क्या है, लोग ऐसा कहते हैं, लोग कहते हैं कि दरअसल आप सबका स्वागत तो करते हैं, सबका स्वागत करते करते कभी कभी एम्बैरेसमेंट की स्थिति भी बन जाती है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, किसने नहीं देखा, पश्चिम बंगाल के चुनावों में आपने सबका स्वागत किया, झोली भर भर के टीएमसी के लोग जो थे, नेता जो थे, आपकी पार्टी में आते गए आते गए आते गए, आए राम आए राम आए राम। जैसे ही आप चुनाव हारे सब गए राम, सब निकल लिए वापस। तो ऐसे लोगों को क्यों भर लेते हैं जिनकी ना तो कोई विचारधारा है ना तो कोई सोच है, सिर्फ महत्वाकांक्षा ही महत्वाकांक्षा है। अच्छी बात है, हिंदुत्व की अवधारणा जो है ना वो चित्त शुद्ध चित्त का है और हमारा चित्त शुद्ध है और जब तक बिना चित्त के आप राजनीति करेंगे, चित्त शुद्ध नहीं करेंगे और दूसरे अच्छे हैं बुरे हैं वो स्वयं अपने व्यक्ति कभी किसी और का नुकसान नहीं करता। हर व्यक्ति स्वयं बुराई करता है तो उसके अंदर बुराई का घड़ा भर जाता है, अच्छा समाज देखता है तो अच्छाई का घड़ा भर जाता है। दृष्टि समाज को उसके सोच से व्यक्तित्व से मिलती है। तो जो लोग जैसा सोच के आए जिस भाव से आए, हम तो हमारा चित्त शुद्ध है ना, तो हमारे तरफ से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप विराट है, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि सारे लोग आए वो चित्त शुद्ध करके जाए, उनके मन में कोई वैमनस्य है मतलब वो शुद्ध हो गया, अब तो शुद्ध हो गया ना, उनका चित्त शुद्ध कर दिया आपने। और आपने देखा होगा कि कोई आया भी और कोई गया भी, उस व्यक्ति को लेके हमने छिट्टा कची नहीं करी, उसकी बुराई नहीं करी, उसका उसके व्यक्तित्व का निर्माण समाज से हुआ है। समाज में वो जैसा जीना चाहता है जैसा करना चाहता है सबको स्वतंत्रता, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक बड़ा राहुल जी को स्वतंत्रता, सभी राजनीतिक पार्टियों को ये स्वतंत्रता। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक सवाल आ गया मेरे मन में। आपने कहा कि हमारी पार्टी में आके चित्त शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध तो हो गया नहीं, अब वापस जाएगा तो शुद्ध लेकर ही जाएगा। अच्छा निर्माण, अच्छा समाज देना, अच्छी परिकल्पना देना, अच्छा विचार देना एक राजनीतिक पार्टी का मतलब उद्देश्य। अब जो जो टीएमसी से आए थे, जो टीएमसी से आए थे जिनका चित्त वो वापस चले गए, वो जब वापस चले गए तो अभी शुद्ध है उनका चित्त की नहीं है पार्टी में लेना, ये सब कहा ना, अच्छे चित्त वाले लोग हैं। समाज से निर्मित प्राणी होता है, उसको जिस समाज में रहना अच्छा लगता हो उसे रहना चाहिए, उसको हम रोक टोक नहीं सकते। ठीक है, जितिन प्रसाद साहब का चित्त अभी तो ठीक है, हम दूसरों के प्रति रखते हैं, संदीप जी स्वयं के प्रति रखे, अपने मन के प्रति रखे, अपने विचार के प्रति रखे, संदीप जी भाव के प्रति रखे, अपने स्वभाव के प्रति रखें, तो हम बेहतर परिकल्पना का भारत दे पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये करने में मैं गर्व से कह सकता हूँ कि सक्षम है, हम एक बेहतर भाव, बेहतर विचार, बेहतर स्वभाव का आदर्श प्रस्तुत कर। किसानों को गाड़ियों से कुचल देना, भूदेव साहबियों के साथ बलात्कार, भूदेव साहब डिबेट कहाँ जा रही है कि कांग्रेस में कौन बचेगा, आप कहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, पार्टी क्यों नहीं पहुँचे, बेहतर समाज की जब कल्पना हो रही है तो सारी चीजों को उसमें काउंट कीजिए कि ये बेहतर समाज की कल्पना है। पार्टी में आने वाले, पार्टी में जाने वालों की बात हो रही है, आपकी पार्टी से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ये समस्या है, लोकतंत्र के लिए समस्या बन रही है ये चीज। अगर एक मजबूत विपक्ष नहीं नजर आएगा तो समस्या है। इस चीज पर चर्चा हो रही है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े नेता रोजाना इधर से उधर भाग रहे हैं, अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, तो ये समस्या है लोकतंत्र के लिए। एक मजबूत विपक्ष चाहिए, एक बड़ी पार्टी चाहिए जो बीजेपी से लड़ सके। देखिए, कांग्रेस एक इतना बड़ा समुद्र है कि जिसमें ये छोटी मोटी पार्टियां अगर दो चार पांच साल के लिए सत्ता में आए और फिर वो ये सोचे कि कांग्रेस भारत का सपना देखे। मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नया नारा है, भारतीय जनता पार्टी बचाओ नारा, कैसे बचाए पार्टी को, अब ये सपने छोड़ दीजिए कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना, अब तो अपनी पार्टी को बचाने का नारा इनको देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, इस पर जवाब तो जय दीक्षित साहब बढ़िया देंगे। आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि कांग्रेस में कांग्रेस मुक्त भारत, अरे देश के और भी लोग, देश के युवा है, सबको मौका मिलना चाहिए। अरे भूदेव साहब, यही तो समस्या है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते करते कांग्रेस युक्त बीजेपी कर दिया है धीरे से, अब तो ऐसा लगता है बीजेपी के अंदर भी एक छोटा सा कांग्रेस है। बीजेपी बचाओ नारा देना पड़ेगा इनको, अभी थोड़े बहुत चलाओ, आप देखते रहिए। चलिए, अब ये
जय दीक्षित, जो देश के लोग हैं, देश के युवा हैं, अभी इसके पलटने वाले हैं, क्योंकि बहुत लाठियां खा ली इस देश के युवाओं ने, बहुत बेरोजगारी के पकौड़े तल लिए देश के युवाओं ने, बहुत मजदूरों ने हजारों किलोमीटर तक पैदल चल लिए, बहुत कोरोना में मर लिए, बहुत यात्राएं फैली इस देश के। उदय साहब, आप एक बढ़िया बड़े मंझे हुए प्रवक्ता है, ठीक है उदय साहब, थोड़ा सुनिए, ठीक है संदीप दुबे जी। जय दीक्षित साहब, भूदेव साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ही नहीं सकता, ये इतना बड़ा समंदर है कि छोटी मोटी पार्टियां तो इसमें छोटी छोटी मछलियों की तरह घूमती हैं। लेकिन वहीं बीजेपी के हमारे संदीप दुबे साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है, कांग्रेस मुक्त वाली जो बात करते हैं उसी को बल दे रहे हैं। आप इसको किस नजर से देखते हैं, क्योंकि यूपी का चुनाव भी चढ़ रहा है, तो आप किस नजर से देख रहे हैं इसको? मैं दो चीजों पे, दोनों भारतीय जनता पार्टी के दोनों शुरुआत में बुधेव जी से शुरुआत करता हूँ। उन्होंने कहा कि जय दीक्षित जी मौजूद नहीं थे पिछले जहाँ पे ये बातें हुई थी, इन्हीं के हरीश रावत जी के सलाहकार है सुरेंद्र अग्रवाल जी का बयान है कि जो कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी जी, आपकी माइक इको कर रही है, मौजूदगी में राहुल गांधी के सबसे अब गुदेव जी की मैं दूसरी बात करता हूँ, बार बार कहते हैं कि युवाओं की पार्टी है, युवाओं को नेतृत्व में, तो क्या अगर घर में कोई बच्चा बड़ा हो जाए तो घर के गार्जियन को घर से बाहर निकाल दें, ये संस्कार कांग्रेस पार्टी सिखाती है? और यही कारण है कि कांग्रेस असंतुष्ट है और पार्टी लगातार कमजोर होते जा रही है, और पार्टी का सबसे बड़ा कारण सिर्फ यही है कि उनको सम्मान नहीं मिला, और जहां पे भी जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया उनको अगर सम्मान नहीं मिल सकता। नहीं गैजी फिर से देखिए वही बात, सम्मान में क्या कमी है, उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो चुनाव हारने के बावजूद भी पार्टी ने उनको हर बड़ा पद दिया, पंजाब का प्रभारी बनाया, अब अगर वो अपनी मर्जी से विश्राम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कई भारतीय जनता पार्टी की तरह जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया उनको बिल्कुल निकाल दिया गया, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। ठीक है भूदेव शर्मा साहब वो तस्वीरें भी आती है आपकी, थोड़ी सी जय दीक्षित साहब आवाज में समस्या हो रही है, इसको थोड़ा सा ठीक करवाएंगे, आवाज क्लैरिटी के साथ नहीं आ पा रही है। आप युवाओं की जो बात करते हैं, आप राजस्थान में क्या किए, सचिन पायलट क्या युवा नहीं थे क्या, वहां पे क्यों युवाओं का अपमान किया गया? और युवा शक्ति की बात नहीं, किस युवाओं का अपमान किया गया? नहीं, ये किसने कहा कि सचिन पायलट जी का अपमान किया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का किया गया था? एक सेकंड, चलिए ठीक है, बाकी हमारे पास ऐसी कोई इंटरनल खबर नहीं है। ठीक है, युवाओं का अपमान सचिन पायलट जी का पूरा, सचिन पायलट साहब का नहीं क्या? ठीक है, सचिन पायलट साहब जी राजस्थान में युवाओं के नेता है, युवाओं का नेतृत्व, युवाओं का उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं, वो कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही है, उनको बीजेपी ने बहुत तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद भी वो कांग्रेस पार्टी में रही, हाँ कुछ छोटे मोटे मनोपताव होते हैं उनकी सभी उनको पूरा कर लिया गया, आपको बैठ के जो देश के भविष्य को बदलने की ताकत रखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख नहीं किए, पहली चीज। दूसरा चीज, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र को सुन रहा था, संदीप दुबे जी को, आप कह रहे थे कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद पार्टी अपना सम्मान और अपनी संस्कृति ट्रांसफॉर्म करती है। हाल ही में अभी मैंने आपके गृह राज्य मंत्री जो सैनी जी ने उनका मैं बयान सुना, सरेआम पत्रकारों को गाली दे रहे हैं, क्या यही सम्मान ट्रांसफॉर्म करती है क्या भारतीय जनता पार्टी? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी तरफ ही देखने की जरूरत है, अगर एक उंगली सामने आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, आते हैं आपके पास वापस। तो भूदेव साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि लाल कृष्ण अडवाणी हुए बड़े नेता जो हैं, इनको भी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, जिन्होंने पार्टी खड़ी की, जिन्होंने पार्टी बनाई, आज उनको कहाँ भेजा जा चुका है। ऐसे में ये सवाल है मेरा कि अगर आप हरीश रावत जी और लाल कृष्ण अडवाणी को एक ही परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो लाल कृष्ण अडवाणी को हमने उन तस्वीरों के साथ देखा है कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पैर छूते हुए नजर आते हैं,
तो क्या आने वाले समय में हम ऐसी तस्वीरें देख सकते हैं कि जब हरीश रावत के राहुल गांधी जी पैर छूते हुए नजर आएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी एक पढ़े लिखे और एक अच्छे नेता है। पढ़े लिखे से क्या, पढ़े लिखे लोग क्या पैर नहीं छूते, क्या सम्मान नहीं देते बड़ों को? सर मेरी पूरी बात होने दीजिए, मैं पूरी बात कर लूं, उसके बाद में आपका जो सवाल है उसका जवाब तो देने दीजिए। हाँ, ठीक है ठीक है। कि राहुल गांधी जी एक संस्कार, उनके अंदर जो संस्कार है वो पूरा देश जानता है। कभी भी किसी बड़े नेता का अपमान नहीं किया, सार्वजनिक तौर पर, चाहे मनमोहन सिंह जी हो या दूसरे जितने भी बड़े नेता है, तो हमेशा उनका सम्मान किया है। हरीश रावत जी हो या दूसरे नेता हो, उनका सम्मान उसी तरह से होता रहेगा जैसे दूसरे नेताओं का होता है। राहुल गांधी जी कभी भी किसी का अपमान नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जो उत्तराखंड में विजय सम्मान रैली हुई थी, वहां पर भी उनको पूर्ण सम्मान दिया गया, या दूसरी जगहों पर भी कांग्रेस पार्टी पूरा सम्मान देती है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई जाना चाहता है, कौन सा सम्मान है ये, कौन सा सम्मान है? कांग्रेस पार्टी में रहना चाहते हैं तो उनके लिए पूरा सम्मान मिलता है। ये कौन सा सम्मान है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी पूरा सम्मान दिया गया, उनको मंत्री कम उम्र में मंत्री तक भी बनाया गया था। हरीश रावत जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के तो पिताजी भी एक बड़ा चेहरा थे आपकी पार्टी से। ये बताइए, ये कौन सा सम्मान है जो आप किलो में क्विंटल भर भर के देते हैं, लेकिन फिर नेता कहते हैं कि अपमान दे रहे थे पंजाब में? कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, देखिए मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो डरता है वो जा सकता है। तो यहाँ पे आज मैंने एक बार बोला कि समुद्र में कोई बड़ा जहाज डूबता है तो कुछ छोटी मोटी बिल्लियां होती है, ये सबसे पहले भागती है। तो बड़े बड़े लोग भी तो कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व ठीक नहीं है, G23 ये जो पूरा ग्रुप है ये भी तो कह रहा है, चिट्ठी भी लिखी जाती है। हमको चुनाव जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन देश के लोगों की आवाज उठाएंगे, सड़क से लेकर के संसद तक देश के लोगों की सेवा करेंगे। मतलब आप कांग्रेस ये मान चुके हैं कि चुनाव जीतने में समस्या है, फर्क नहीं पड़ता है। आप कह रहे हैं चुनाव जीतना जरूरी नहीं है, अरे भाई राजनीतिक दल है, आप चुनाव जीतेंगे तभी तो सत्ता में आएंगे, चुनाव जीतना जरूरी नहीं है, मतलब मान लिया है क्या? जनता का जो जनाधार होगा उसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। आज वही जनता मान रही है कि कांग्रेस पार्टी ही है जो देश में शासन कर सकती है, तो इसीलिए 5 राज्यों का जो चुनाव के परिणाम आएंगे उस समय हम भी डिबेट में रहेंगे, आप भी रहेंगे। तो जो इस देश के युवा, जो इस देश के सारे वर्ग है, चाहे महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, जिनके साथ जितना अन्याय हो रहा है, उनके साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और वो प्रभाव देखने को मिल रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो या गोवा हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी की ओर देश के लोग देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ा है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि अब तो भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों में पार्टी बचाओ का नारा देगी कि कैसे अपनी पार्टी को बचाना चाहिए। ठीक है, 2017 में राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस मिलकर, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, ऐसा क्यों है? क्या राहुल गांधी में वो काबिलियत नहीं थी, क्योंकि वो हार गए इसलिए उनको इस बार चुनाव में नहीं भेजा गया नेतृत्व करने के लिए? नहीं, चुनाव में क्यों नहीं गए, कल उनकी रैली हुई अमेठी में, पूरी तरह से नेतृत्व नहीं कर रहे ना, नेतृत्व अलग चीज होती है, उनकी लीडरशिप में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा राज्य है। क्या चाहते हैं राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जाए केवल, और कोई राज्य में चुनाव नहीं है, वो पूरे देश के नेता है, देश के नेता है। जब चुनाव का टाइम आएगा तो वहां पर भी रैली करेंगे, उत्तराखंड में भी जा रहे हैं, पंजाब में भी, गोवा में भी, सारे राज्यों में जा रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, प्रियंका गांधी जी भी है, राहुल गांधी जी भी जाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि राहुल गांधी जी केवल और केवल उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। आपके शब्दों को रिपीट कर देता हूँ मैं। आपने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं, वो प्रदेश में सिर्फ जाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं, गृहमंत्री अमित शाह भी जाते हैं, वैसे जाएंगे, वो देश स्तर के नेता हैं। प्रियंका गांधी यहां पर संभाल रही हैं एक राज्य। 2017 में क्या राहुल गांधी देश स्तर के नेता नहीं थे? 2017 में राहुल गांधी फिर क्यों उत्तर प्रदेश में नेतृत्व कर रहे थे, अकेले क्यों कमान संभाले हुए थे? किसने कहा 2017? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी में तमाम दिग्गज नेता है, अशोक गहलोत जी है, कमलनाथ जी है, दिग्विजय सिंह जी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उस समय थे, सचिन पायलट जी भी है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी भी है, तमाम। अरे इतनी जल्दी जल्दी नाम मत बोला करिए, कहीं 2-4 ऐसे नाम ना हो जो इधर उधर जा चुके हैं। केवल और केवल 2017 में क्या केवल उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने चुनाव प्रचार किया था क्या? पूरे देश में चुनाव प्रचार करना है, उनको पार्टी के बड़े लीडर है, तो ये बात
बिल्कुल गलत है कि केवल उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी जाएंगे तभी चुनाव का प्रचार होगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ 2017 में मैंने खुद जब चुनाव कवर कर रहा था 2017 में तब बड़े बड़े पोस्टर दिखते थे कि यूपी को ये साथ पसंद है। जो मीडिया राहुल गांधी जी की रैलियों को नहीं दिखाता था वो मीडिया भी दिखाने के लिए मजबूर हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना सम्मान इतना मान दिया वहां पर इतनी सम्मान देने के लिए राहुल गांधी जी को आए कि जो मीडिया उनको कवर नहीं करता था वो भी उनको दिखाने के लिए मजबूर हो गया। ठीक है, अरे मीडिया मजबूर हो गया। ठीक है संदीप दुबे साहब, बिल्कुल मजबूर हो गया। ठीक है मीडिया मजबूर हो गया राहुल गांधी को दिखाने के लिए। राहुल गांधी जी ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी देश स्तर के नेता हैं, हर जगह जाकर प्रचार करते हैं, तो ऐसे में बीजेपी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी, क्योंकि सबसे टॉप की लीडरशिप की बात कर रहा हूं, विपक्ष देश स्तर पर आज भी कांग्रेस ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। थर्ड फ्रंट की बात करूं वो अलग हो सकता है, लेकिन विपक्ष की अगर बात करूं कांग्रेस की नेशनल लेवल पे, तो पीएम मोदी का चेहरा बनाम राहुल गांधी का चेहरा हो सकता है। देखिए आज अगर राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो आप ये मानिए कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं जितने भी नेता हैं वो केवल और केवल राहुल गांधी, कांग्रेस में तो हर कोई नेता है, मान सकते हैं कांग्रेस में तो हर कोई नेता है, तो वो केवल राहुल गांधी जीत जाएंगे। ठीक है, मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रचारक, चलिए संदीप दुबे साहब समय की कमी है थोड़ा सा, 10 सेकंड में संदीप दुबे साहब जवाब दे दीजिए। मैं एक ही बात कहूंगा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कांग्रेस इस समय कहीं है नहीं, वो किसी तरह अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है, और राहुल जी को किसी और का नेतृत्व पे भरोसा भी नहीं रहा। आप कांग्रेस के नेता कांग्रेस के लोग जब व्यक्ति डरा सहमा होता है इस तरह की समाजवादी पार्टी से कोई व्यक्ति आ गया तो मुझे भी उसके बराबर खड़ा कर दिया जाएगा। तो मैंने जो सेवा की 5 साल तो मेरे बगल में मेवा तो कोई और खाने लगेगा जो कल आया है। ये सोच में अंतर है, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति एक सोच पे नहीं विकसित हुई है। हाँ। और इसके कार्यकर्ता को बंदे मातरम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी बेहतर जानती है कि देश को कैसे चलाना है। आवाज दे रहा है कि बाइंड अप कर दीजिए, समय समाप्त हो चुका है। जय दीक्षित साहब, आज आपकी आवाज में थोड़ी सी समस्या थी उसके लिए माफी चाहूंगा, इसलिए ज्यादा समय नहीं दे सका, आपसे माफी चाहूंगा। बाकी बहुत खूबसूरती से आप दोनों ही लोगों ने जवाब दिए, संदीप दुबे साहब आपने और भूदेव शर्मा जी आपने, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाकी आज हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस में जो भागम भाग मची हुई है इसका अंत कब होगा, क्योंकि दरअसल लोकतंत्र के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक मजबूत विपक्ष नजर नहीं आएगा तब तक लड़ाई होगी किनके बीच, जनता चुनेगी किनको, ऑप्शंस नहीं होंगे तो जनता जाएगी कहां। फिलहाल के लिए शुक्रिया।